जोहार साथी जोहार, मैं आपका दोस्त जितेंद्र, झारखंड हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। अभी चंदनकियारी विधानसभा क्षेत्र में कई एक पार्टियों ने जो है नॉमिनेशन करा लिया है विधानसभा चुनाव को लेकर के। अभी हमारे बीच खुशबू कुमारी जी हैं, जो पहले जीएलकेएम पार्टी में थी लेकिन फिर रिजाइन कर दिया और फिर निर्दलीय अभी नामांकन करा लिया है चंदनकियारी विधानसभा क्षेत्र से। जयराम महतो के पार्टी में रहे लेकिन अभी जो है निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन करा लिए हैं। सबसे पहले आपका जोहार और स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से पूरे चंदनकियारी वासी को जोहार, पूरे झारखंड वासी को जोहार। मेरा नाम खुशबू कुमारी, मैंने आज निर्दलीय रूप से अपना पर्चा भरा है। अभी आपके समर्थक लोग भी आए हुए थे यहाँ पर, पर्चा जो है आपने भरा है। हम लोगों ने देखिए पक्ष विपक्ष दोनों पार्टियों को मौका दिया लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, जिसके लिए हमने जयराम बापू का सपोर्ट करके एक तीसरा विकल्प तैयार किया था और उसमें मैंने अपना प्रत्याशी रूप से हम लोग का फॉर्म फिलअप हुआ था 12 लोगों का, जिसमें सब लोग समर्थन में थे कि हाँ दीदी आप ही को मिलेगा, हो सकता है आप ही को मिलेगा, पूरी सहमति थी हम लोगों की। लेकिन अचानक से सामने अनाउंसमेंट होता है कि जो हमारे चंदन क्यारे विधानसभा के नहीं है उनका नाम हमारे चंदन क्यारी विधानसभा में दे चुके हैं जयराम बाबू जेलकेम पार्टी से। तो मेरे जितने समर्थक थे सभी दुखी थे कि नहीं ये तो गलत हुआ है, क्योंकि हम लोग शुरू से बोले कि जो हमारे स्थानीय लोग हैं उनको पहले प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, लेकिन पता नहीं अब क्या हुआ क्या नहीं, वो तो हमारे जयराम बाबू जाने, वो हम लोग नहीं बता सकते हैं उनको। वजह से फिर जो इस्तीफा आपने दे दिया? हाँ, जिसके कारण मैंने इस्तीफा देकर निर्दलीय रूप से लड़ना अच्छा समझा। पार्टी और भी कई तरीके का थे, जेल के पार्टी तो थी उसके बावजूद भी और भी कई तरीके का पार्टी है, लेकिन आप निर्दलीय फिर क्यों चुने? नहीं, मैं निर्दलीय ही ठीक हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे पार्टी को देखा, उसके कारण ही हम लोगों ने तीसरा विकल्प चुना था जयराम बाबू को। अब उनको छोड़ के अब हम कहाँ जाए, सबको छोड़ के हम उनके पास आए थे और उनको बनाए, दिन नहीं रात नहीं क्या नहीं किए हैं हम लोग, इस पार्टी को सींचा है खून पसीना से, धन बल 3 साल तक एकदम रोड पे थे हम लोग, लेकिन अचानक से पता नहीं अभी क्या हुआ, राजनीतिक मोड़ ले ली है, अब उसमें क्या कर सकते हैं वो हमारे सुप्रीमो ही जाने। अभी समर्थन अभी किस प्रकार का मेरे, क्योंकि पार्टी छोड़ के अभी निर्दलीय उम्मीदवार, कहा जाता है कि जो कोई भी कैंडिडेट पार्टी से चुनाव लड़ता है तो उनको दोहरा जो समर्थन मिलता है, व्यक्तिगत रूप में भी मिलता है पार्टी का भी समर्थन मिलता है। अब निर्दलीय जो चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, नामांकन करा लिया है, तो समर्थन किस प्रकार का मिल रहा है, लोग क्या कह रहे हैं? समर्थन अच्छा है क्योंकि हम लोग देखिए हम लोगों का शुरू से ही मांग है कि जो जहाँ से है वहीं से लड़े वो अच्छा है, क्योंकि हमारा भी तो कुछ हक अधिकार है भाई अपने क्षेत्र के लिए, क्योंकि हमारा क्षेत्र हम जानते हैं कि हमारे चंदन क्यारी में क्या कमी है, पलायन रोकना है, रोजगार देना है, शिक्षा जरूरी है, प्लस स्थानीय नीति और नियोजन नीति सबसे बड़ा बात। नियोजन की बात है, रोजगार देने की बात है, पलायन को रोकने की बात है, लेकिन चंदन क्यारी में फिर कैसे रोजगार का सृजन कैसे करेंगे, कहाँ देंगे? अभी तो देखिए क्या होता है, पहले तो आज नामांकन किए हैं, सारी चीज स्क्रूटनी के बाद ही अब बताएंगे हम। फिर जनता के बीच अपने मुद्दे कैसे मुद्दे लेकर के जाते हैं अपने समर्थकों से, जनता से क्या कहते क्या है? जनता से यही कहते हैं कि आज देखिए सारी चीज में बोलते हैं कि सिस्टम से होता है, जैसे 10 लड़कों को रोजगार देना है तो बोलते हैं कि अगला जगह गए कुछ काम के लिए तो बोलेंगे यहाँ जाइए वहाँ जाइए, सारे काम का सिस्टम है, ताज सिस्टम में ही जाके देखते हैं कि क्या होता है, सिस्टम में क्या है जो हमारे चंदन क्यारी और पूरे झारखंड के लोग अभी तक बेरोजगार है। प्लान रोकने अगर रोकेंगे तो जैसे कि इलेक्ट्रोस्टील प्लांट है, वहाँ भी जो है लगभग सभी पार्टियों ने एक एक बार जो है धरना दे दिया है, आंदोलन कर दिया है, बीजेपी ने भी किया, आईसू ने भी किया, जेएमएम ने भी किया, जेएलकेएम पार्टी जेबीकेएसएस ने भी किया, तो क्या वहाँ पर वैसा कुछ सोचे कि प्लांट में जो है कैसे लोगों को ज्यादा जो रोजगार दे पाए? जी जरूर सोचे हैं, बहुत एक नीति बना के रखे हैं कि किस तरह से नियोजन उसको, मतलब जितना भी हमारा यहाँ पे है तो किस तरह से हमारे बेरोजगार युवा को किस तरह रोजगार देंगे वो सोच के रखे हैं, बस देखते हैं क्या करना है। चंदनकियारी पूरा विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, पूरा का पूरा ग्रामीण क्षेत्र, मतलब कहीं भी जाने के लिए एक गांव घुसना पड़ेगा, तो कैसे इतने सारे लोगों से जुड़ेंगे? नहीं, हम लोग बहुत सारे गांव घुस चुके हैं, पूरा चंदनकियारी घूमे हुए हैं हम लोग, पहले से दौरा ऑलरेडी कर चुके हैं। जी हम लोग बहुत सारा दौरा किए हुए हैं, आज नया नॉमिनेशन नहीं किए हैं हम लोग, नॉमिनेशन से पहले ही दौरा किए हुए हैं, लोगों से पहले से ही जुड़ते रहे, हम लोग पहले से ही जुड़े हुए हैं धरातल से, आज नया नहीं है कि हम इलेक्शन लड़ने के लिए लोगों से जुड़ रहे हैं, हम लोग शुरू से ही जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे। कोई ऐसा कुछ काम या कुछ ऐसा कुछ सोचे कि अगर मौका मिलती है, जनता अवसर देती है अगर जनप्रतिनिधित्व करने का, तो उस काम को जो है आपको पहले जो है करना चाहिए?
जी हाँ, सबसे पहला अगर मुझे वैसा जनता मौका देती है तो मैं स्थानीय नीति और नियोजन नीति और अपना 1932 खतियान को सबसे पहले प्रायोरिटी दूंगी। और क्षेत्रीय चंदन क्यारी के लोगों के लिए? चंदन क्यारी के लोगों के लिए शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए पहला जो हाँ जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा विकास बारू जी, आप भी जो है दोनों साथ में जो है पति पत्नी मिल करके जो आंदोलन को जो दायर कर रहे थे, अपना योगदान भूमिका निभा रहे थे, सड़क पर उतर रहे थे, लेकिन आप जो है विधानसभा चुनाव निर्दलीय रूप में जो है खड़े हैं, तो क्या लग रहा है कि जनता का समर्थन किस प्रकार से जो है मिल पाएगा? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिये रही बात, मैं सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिये हम लोग शहीद का वंशज है और हम लोगों का जो इस राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो इससे होता है राजनीतिक पॉलिटिकल में राजनीतिक क्षेत्र में जो जुड़ते हैं, हम लोग उस उद्देश्य से नहीं जुड़े थे। हम लोग का एक ही मकसद था कि किसी भी प्रकार से यहाँ लड़ाई करके जो यहाँ का जो माय माटी मानुष है, भाषा संस्कृति हो, खतियान आधारित स्थान नीति, नियोजन नीति, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाओं को लेकर तमाम चीज़ें बहुत बड़े बड़े जो ज्वलंत मुद्दा हैं, यहाँ के लोगों को सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पर मिलना चाहिए। 24 साल होने के बाद भी यहाँ के लोगों को जो आज तक ना रोजगार मिलता है, ना शिक्षा मिलता है, ना स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती हैं, आज देखिए ना विस्थापन नीति है, ना नियोजन नीति है, ना स्थानीय नीति है, और खास करके जो बेरोजगार हैं हमारे चास चंदन के अंदर देखिएगा तो हर गांव में जो है कम से कम हर गाँव में 50-100 ऐसे युवा हैं जो पलायन करके जो हमारा राज्य छोड़कर जो दूसरे राज्य में चले जाते हैं। तो हमारा एक ही मकसद है, जल्दी अगर क्षेत्र की जनता, चंदन क्यारी की जनता, जनार्दन, आप लोग जैसे जानते हैं कि लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, अगर हम मेरी धर्मपत्नी अगर आंदोलनकारी खुशबू कुमारी जी को अगर आशीर्वाद देती है क्षेत्र की जनता, तो 5 साल में वादा करता हूँ चंदन क्यारी का तस्वीर बदल देंगे। चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करी जाए तो ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार ऐसे जो है अभी जो है जितने नजर नहीं आते हैं, कुछ किसी न किसी पार्टी से जो खड़े हो जाते हैं, तो फिर इस चीज को कैसे कुछ बदल जो चंदन क्यारी में जो है बदलने की आशा है? जी देखिए अभी तक तो जो मैं मुझे लग रहा है कि असल खिलाड़ी अभी तक तो मैदान में नहीं उतर चुके थे इस फील्ड में, इसीलिए हमारे चंदन क्यारी की जनता को जो है पिछले झारखंड अलग राज्य के बाद से है जो छलने का ठगने का विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशी ने मुझे लगता है किया है, और ये सब बताने वाली भी चीज नहीं, सबको मालूम है, सभी पार्टियों को मौका मिला है झारखंड अलग राज्य के बाद, सभी पार्टियों को मौका मिला, यहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी विधायक बने हैं, आजसू से भी बने हैं, जेबीएम से भी बने हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी विधायक बने हैं, लेकिन उन लोगों का क्या परफॉर्मेंस है अब तक, उनके अपने कार्यकाल में क्या किया है क्या नहीं किया है जनता जानती है। और जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इतना बड़ा भाषा आंदोलन हुआ, सबके लिए भाषा ही सब कुछ है, लेकिन भाषा जैसे आंदोलन में, लेकिन भाषा आंदोलन जब हुआ था तो जितने भी प्रत्याशी हैं जो पार्टी के बड़े बड़े जैसे गठबंधन में जितने भी हैं, एनडीए के हो, इंडिया के हो या एनडीए के, कोई भी हमारा साथ नहीं दिया था, और उसी उद्देश्यों को लेकर हम लोग इस फील्ड में आए थे। जनता का मांग है कि एक नया तीसरा विकल्प बने राज्य में, बने सिर्फ चंदन क्यारी में, इसीलिए हम लोग विकल्प तौर पर हम लोगों ने दिया, और ये हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य था और हमने किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। अभी आप लोगों ने सुना चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खुशबू कुमारी जी ने नामांकन किया है, और देखिए इस बार चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र में क्या होता है, क्योंकि जब से चुनाव को लेकर के नामांकन भरने का डेट जारी हुआ था तब से ही जो पूरा राजनीतिक जो रूप में खलबली मची हुई थी जनता के बीच में भी, कि आखिर कौन से उम्मीदवार जो यहाँ पर टिकट भरते हैं, कौन पार्टी से कौन कैंडिडेट होंगे और किन्हें जो है जिताने का काम करेंगे, ये चुनाव के दिन ही जो है पता चल पाएगा, और जो इसके नतीजे आएंगे इससे पता चल पाएगा कि जनता के बीच में कौन कितना ज़्यादा जो है अपना जो है वर्चस्व स्थापित कर पाए हैं। बाकी सभी का धन्यवाद। जोहार, जोहार झारखंड, जय झारखंड।